प्रदेश में बहुत सारी ऐसे रिवाजें होती है जैसे घूंघट लेना या फिर बहुत औरतों के देखिए, बाहर निकलना, वो उस बारे में आप क्या कहना उस चाहेंगे? बारे में ये कहना है कि त्रेताजू सतजू, सतजू में घूंघट का नाम नहीं था। हम आज पहनावा दिखलाते हैं लेकिन वाक्चर्य वैसा नहीं था। जब त्रेता हुआ तो घूंघट का थोड़ा सा नाम आया, क्योंकि दस्यु लोग, दस्यु बुद्धि वाले लोग समाज में आ गए। उसके बाद द्वापर आया तो उसमें तो अति हो गया, और जब कली काल आया तो अति से अति हो गया कि औरतों के प्रति पुरुषों का जीव एकदम गिर गया, और इसलिए घूंघट से अपने चेहरे को ढकने का एक रिवाज चालू हो गया। वर्णाश्रम धर्म जब चालू हो गया तो उसके बाद से घूंघट लेना जादू। लेकिन अब घूंघट की भी एक सीमा होती थी, ललाट कर बस इतना ही, अपना सर ढको, भगवान के यहाँ स्मरण करने के जाते हैं तो सर ढकते हैं, उतना ही काफ़ी है। लेकिन आज हम देखते हैं कोई एक एक फीट का घूंघट डालता है, अरे चलेगी तो आंख से दिखेगा ही नहीं, गिर लेकिन सकती। लोग तो बोलते हैं ये हमारा रिवाज है, हमें करना पड़ेगा। रिवाज हम बनाए हैं, रिवाज को हम ही तोड़ेंगे। उस जिसको हम घूंघट लेने को बोलते हैं उसको उसकी तकलीफें क्या हैं हमको समझना चाहिए। जब हम उसकी तकलीफें देख लेंगे तो घूंघट पर्दा सिस्टम घूंघट से लेकिन ये घूंघट सिस्टम जो हुआ ये अभी की देन है, प्राचीन समय के ऋषियों में देन नहीं है। प्राचीन ऋषियों की देखी जाती, उनकी पत्नियां उन पति की सेवा करती हैं, उन आश्रम में आते हैं, उनके भी बच्चों की सेवा करती हैं, कहीं कहीं घूंघट नहीं दिखा। क्यों? वो भी तो औरतें हैं। एक घूंघट बीच के मध्य युग में आया, जबकि विदेशियों का आक्रमण देश में हुआ और अत्याचार होने लगे औरतों के ऊपर, यानी बहुत कुछ जो नहीं होना चाहिए वो सब होने लगा, तब घूंघट सिस्टम चालू कर दिया गया। और पर्दा सिस्टम, घर के अंदर रहो बाहर मत जाओ, एक्चुअल ये गलत है। उस समय भी गोपा हैं, मैत्री है, इत्यादि जैसे बहुत सी औरतें हैं जो बहुत आगे बढ़े, शिक्षित हैं, सीता है, द्रौपदी है, ये सब जो शिक्षित थे, शिक्षा भी रोक दी गई थी औरतों की। बाद में भारतवर्ष में शिक्षा का प्रचलन चालू हो गया, लेकिन विदेशों में अभी भी कुछ जमात में उनको शिक्षा नहीं देने का। अरे क्यों भाई शिक्षा नहीं दे? शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जब संतान, हेरिडिटरी कैरेक्टर बोलते हैं ना, पैतृक गुण, पैतृक गुण, औरत अगर अशिक्षित है उसमें उसका गुण उसमें आएगा ना, अशिक्षा का। अगर पिता शिक्षित है, मान लीजिए पिता शिक्षित है तो पुत्र शिक्षित होगा, लेकिन माँ अशिक्षित है तो कितनी शिक्षा मिलेगी? ये दुनिया देखती है, सुनती है कि अभिमन्यु को माँ के गर्भ में ही 6 चक्रव्यूह का 6 ताला तोड़ने का ज्ञान हुआ, वो कैसे हो गया? माँ अगर शिक्षित नहीं रहती तो समझती नहीं कि चक्रव्यूह क्या है, कहाँ जाना, और उस टाइम उसको ज्ञान हुआ। अरे शिक्षा है बहुत जरूरी है, औरत अगर शिक्षित हो गई तो उसका पुत्र शिक्षित होना ही मांगता है, वो होगा, जबरदस्ती होगा।